पिता की हत्यारों के पकड़े जाने का इंतजार। मामला सागर जिले के ग्राम गौरा थाना बहेरिया की कर्रापुर चौकी के अंतर्गत का है। ग्राम गौरा के भोले अहिरवार जो पेशे से कृषक थे, एक रात गांव के कमलेश पटेल के साथ किसी काम से गए थे, जिसके दो दिन बाद भोले अहिरवार की लाश पास के एक खेत से बरामद हुई थी, जिसके बाद से मृतक के परिजन थाना एवं एसपी कार्यालय के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गए हैं। मृतक के पुत्र का कहना है कि उनके पिता की जब लाश मिली थी तो उनके शरीर और चेहरे पर मारपीट के गहरे जख्म थे और पुलिस ने कीटनाशक पीने का मामला दर्ज किया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस अपराधियों को बचा रही है। क्या मामला, क्या मर्डर केस है? किसका? हमारे पिताजी का मर्डर किया। कब हुआ था? 18। क्या हुआ? एक पटेल का, किसका नाम का पटेल लड़का है, वो साथ में पापा हमारे 9 बजे खाना खा रहे थे, वो आए और साथ में लेके गए, उसने भी खाना खाया तो साथ में लेके गए, फिर लौट के नहीं आए। कहाँ मिली थी लाश? ऐसे मिली थी। समय क्या, चोटें थी? चोटें थी, सिर में चोटें थी और बहुत सी चोटें थी जैसे। और 19 तारीख हम लोगों ने रिश्तेदारी पता किया इधर उधर, उस 19 तारीख को हम पाए नहीं और 20 तारीख को फिर 1 बजे के लगभग हमें कोटवार द्वारा लाश गिरा। शिकायत क्या है अभी, क्यों आया एसपी के पास? ये कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए। गिरफ्तारी नहीं हुई अभी? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, वो तो जंगल घूम रहे हैं। एफआईआर नहीं गई है? एफआईआर कोई करी नहीं, उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं लिखी थाने में। रिपोर्ट भी नहीं लिखी? नहीं गई। दो तीन चार बार लिखाने का, कम 10-10 आदमी, फिर भी नहीं उन्होंने लिखी। कारण क्या है? अब बोल देते अपन रिपोर्ट लिखाए जाते, बोल देते कहीं पीएम रिपोर्ट आ जाएगी, कहीं ये रिपोर्ट आ जाएगी, जब लिखेंगे रिपोर्ट। तो पीएम रिपोर्ट तो आती रहेगी, एफआईआर तो पहले होना चाहिए। उन्होंने नहीं की ना, तो मना कर रहा, कह रहा कि नहीं, वो एक दो बार धमका के भगा भी दिया पुलिस वालों ने। कौन से थाने में? बहेरिया चौकी। अभी क्या कहा एसपी ने आपको? अभी एसपी के छोटा वाला भाई बयान दे रहा है। क्या नाम आपका? फूल सिंह। मर्द की टाइमिंग हो चुकी है, वो मर्द अभी जांच में चल रहा है, संबंधित लोगों के साक्षियानों के कथन इसमें चल रहे हैं। उसके कथन मैंने डायरी खुद ही स्वयं देखी थी, तो उसके कथन अभी हो चुके हैं, बाकी अभी जांच का विषय है। पूर्व में जब मुझे शिकायत प्राप्त हुई थी तो इनको मैंने जांच उसमें कथनों के लिए बुलाया भी था, और आगे जैसे भी जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी पे कुछ आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि डायरी मैंने भी देखी है, बराबर समय समय पर जो है उसमें कथन और जो भी जाँच की जाती है वो हुई है, तो इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। बाकी अग्रिम जो भी होगा, जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप जरूर कार्रवाई की जाएगी।